गुना शिवपुरी अशोक नगर के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ महज सेल्फी लेने की कवायद में रहने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता डॉक्टर केपी यादव अब भारतीय जनता पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। डॉक्टर केपी यादव के बारे में बता दें कि केपी यादव पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर है, जिनके पिता अशोकनगर में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। केपी यादव की ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत ही नजदीकियां हुआ करती थी, जिसके साथ ही सिंधिया के चुनाव की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। मुंगावली विधानसभा के उपचुनाव में केपी यादव को टिकट में मुख्य दावेदार थे, वहीं विद सिंधिया ने भी केपी यादव को तैयारी के लिए बोल दिया था, जिसके चलते यादव मुंगावली क्षेत्र में उपचुनाव के लिए सक्रिय हुए थे। लेकिन चुनाव के वक्त अचानक उनका टिकट कट जाने से वे बहुत मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। वहीं मुंगावली में कांग्रेस ने ब्रजेंद्र प्रताप को टिकट दिया, इसके मुकाबले में केपी यादव ने 2000 वोटों से हार गए। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत तकरीबन 2 लाख वोट यादव वोटर हैं, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1.25 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी का परचम लहरा रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि केपी यादव के उम्मीदवार होने के कारण यादव वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। इसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि केपी यादव के साथ व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा चुके थे, उसको भी भुनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ कर करेगी। यदि भाजपा के समीकरण ठीक बैठते हैं तो इस बार सिंधिया अपने गढ़ से हार भी सकते हैं। बात करते हैं विधानसभा सीटों की। बता दें कि गुना लोकसभा सीट में अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से शिवपुरी, बमोरी, चंदेरी, पिछोर, गुना, मुंगावली, कोलारत एवं अशोकनगर है। इन 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस काबिज है, जबकि 3 पर भाजपा है। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट का प्रोफाइल। गुना शहर मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। गुना शहर के प्रमुखता हिंदू, मुस्लिम एवं जैन समुदाय के लोग रहते हैं। इसके साथ ही खेती यहां का मुख्य कार्य है। आजादी के इससे पहले गुना ग्वालियर राजघराने का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर सिंधिया वंश का अधिकार था। 2011 की जनगणना के अनुसार गुना की जनसंख्या 24,93,675 है। यहाँ पर 77% आबादी ग्रामीण क्षेत्र तथा 23% आबादी शहरी क्षेत्र की है। गुना में 18.11% लोग अनुसूचित जाति एवं 13.94% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया के खिलाफ डॉक्टर केपी यादव को उतारा है, तो एक समय में सेल्फी लेने के लिए आतुर रहने वाले केपी यादव ने बोल भी बदल गए। एक समय में जहां डॉक्टर यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छुआ करते थे और जगह जगह दीवारों पर खुद के नाम के साथ सिंधिया सरकार को जिताने की बात करते थे, वहीं आज सिंधिया को कुछ भी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि सिंधिया को चुटकी बजाकर हरा देंगे। अब यह तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि इस बार मतदाता के दिमाग में क्या चल रहा है। ये सब एक बीजेपी है जो आम कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देती है और उसमें सफल भी होते हैं, चाहे मोदी जी हो। माननीय मोदी जी भी एक साधारण कार्यकर्ता थे, साधारण परिवार से आते थे, लेकिन आज वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता थे, एक साधारण परिवार से थे, 15 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस तरह से अगर देखा जाए, वाकई में अगर कार्यकर्ता की कोई इज्जत करता है या कार्यकर्ता को आगे बढ़ाता है, तो वो बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस और बाकी पार्टियों में तो सामान्यशाही और जो है परिवारवाद चलता है, जो यहाँ नहीं है। भाई साहब, सिंधिया जी की जो सांसद करीब 20 साल से हैं यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार उनके लिए क्या पराजित कर पाई? 100% जितने सर्वे हुए आपके मीडिया के द्वारा ही, सभी सर्वे में ये आया है कि वो हार रहे हैं। इसलिए वो ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे कि वो कहाँ से लड़े। उन्होंने सभी जगह ट्राई किया, यहाँ से वो खुद भी नहीं लड़ना चाहते थे, मुझे लगता है इसलिए उनका टिकट इतना लेट हुआ है। वो यहाँ से लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, पर मजबूरी में और कहीं और बुरी स्थिति उनकी होती, यहाँ भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ से नहीं जीतेंगे। इस बार बीजेपी के खाते में ये सीट जाने वाली है।